वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, जो कि दिल्ली एनसीआर का एक कॉलेज है, और कैसा ऑप्शन है ये हम डिस्कस करेंगे। सो हाय, माय नेम इज आशी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हाईलाइट्स की बात करें तो 2006 का सैवरेज है, ग्रेटर नोएडा में है, अफिलिएटेड है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी विच इज इन लखनऊ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस की बेसिस पे एडमिशन लेता है और इनकी एप्लीकेशन फीस है नियर अबाउट 1100। ये कुछ अवार्ड्स हैं, टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ इंडिया बाय जागरण जोश, अवार्डेड 100% प्लेसमेंट कैंपस बाय एसोकैम एंड द एजुकेशन पोस्ट। आई मीन ग्रेट, राइट। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज कि फिर मतलब मैं बार बार एक चीज़ इतना रिपीट करती हूँ, कई बार मैं खुद बोर हो जाती हूँ कि मैं कितनी बार सेम चीज़ रिपीट मोड पे चलाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे हर वीडियो की वो क्लिप निकाल, मैं और ये इसको हटाती भी इसलिए नहीं हूँ बिकॉज देखो यार, आप मैं कह रही हूँ 100 कॉलेजेस उठा लो दिल्ली एनसीआर के, और हर कॉलेज की वेबसाइट पे वो कोई ना कोई, अब कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिलेगा जो किसी रैंकिंग में नहीं आता हो, राइट। बिकॉज बच्चे देखते हैं, यू नो, उनको ही पता है जो दिखता है वो बिकता है, राइट। बट देखो, इट्स नॉट ओनली अबाउट जो दिखता है, जो नहीं दिख रहा है वो देखो, बिकॉज आप एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, भले वो 5 का हो 10 का हो। और कई सारे बच्चे इंडिया में, यू नो, आई थिंक 60% से ज़्यादा बच्चे लोन लेके जाते हैं अपना MBA करने हैं दूसरी सिटी में, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि यार मैं जैसे ही अपना MBA कंप्लीट करूँगा या PGDM कंप्लीट करूँगा, मुझे कहीं ना कहीं EMI पे करनी होगी, और अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो वो सारा प्रेशर मेरी फैमिली पे आ जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नो यू आर चूजिंग अ राइट कॉलेज एज पर योर प्रोफाइल। मैं ये नहीं कह रही कि हर कॉलेज आई एम अहमदाबाद बन सकता है, बिकॉज आई एम अहमदाबाद उसको मिलता है जिसे खुद बहुत पापड़ बेले हो, उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। तो अगेन, बट अपनी प्रोफाइल के हिसाब से सही ऑप्शंस को चूज करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर कोई हेल्प लगे तो आप नीचे रीच आउट भी कर सकते हो, रैंकिंग में भी कई सारी रैंकिंग में आता है, इसको भी स्किप करते हैं। पैडोलॉजी लेक्चर्स, केस स्टडीज, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, सेमिनार, वर्कशॉप, इंटरनेशनल एक्सपोजर, फॉरेन लैंग्वेज, इंडस्ट्री इंटरफेरेंस एंड गेस्ट स्पीकर्स। इंटरनेशनल एक्सपोजर में ये ग्लोबलाइजेशन हैज ओपन्ड डोर्स फॉर स्टूडेंट्स टू बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल MNC एंड फॉरेन कॉरपोरेशन। तो नन यंग टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटी सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, आई थिंक इनमें से दो तो मैं कुछ और कॉलेजेस के भी इंटरनेशनल कोलाबोरेशन में दे चुकी हूँ, बट ये इंटरनेशनल कोलाबोरेशन है विच इज़ लाइक अ मिनी ट्रिप टू अब्रॉड, जहाँ पे आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, HR, IT, इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग ऑपरेशंस ऑफर करता है। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 5,60,000 फॉर द इनका PGDM का जो प्रोग्राम है उसकी फीस है, विच इज़ नियर अबाउट 5.5 लाख के आसपास। MBA अगर हम AKTU की बात करें, राइट, इसका जो अगर हम बात करें तो AICT अप्रूव्ड जो है 240 एंड कॉलेज कोड है 225, तो उसकी सीट्स जो हैं वो 60 हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ बेसिकली द प्रोग्राम, ठीक है। एंड नाउ एलिजिबिलिटी, मतलब आई थिंक MBA में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, देयर इज नो सच इंटरव्यू प्रोसेस। PGDM में आपको अप्लाई करना पड़ता है, 1100 का जो फॉर्म शुरू में ही आपने देखा, उसके बाद इंटरव्यू होता है, एडमिशन हो जाता है, बहुत ईजी मिलता है। एंड वैलिड स्कोर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बट उसके बिना भी हो जाता है, मतलब वो उतना कंपल्सरी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस अगेन कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन, अकेडमिक एप्टीट्यूड टेस्ट, GD, पर्सनल इंटरव्यू, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, और एडमिशन हो गया, 10 में से 10 को ही मिल जाता है। प्लेसमेंट्स की बात करूं तो 5 लाख का एवरेज है, हाईएस्ट 10 लाख का है 2022 का। मेरे हिसाब से अगर आप कम बजट में देख रहे हो तो आप रख सकते हो, बट कम बजट में भी और दूसरे ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। प्रोफाइल में मार्केटिंग इज कंसिडरेबल, बाकी प्रोफाइल HR फिनेंस में थोड़े से पैकेजेस, एवरेज पैकेजेस जो दिखा रहे हैं उससे भी कम है, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना है। बाकी अगर आप मुझसे जानना चाहते हो तो आप स्टूडेंट से कनेक्ट करो, देन डिसाइड करो। नहीं नंबर्स मिल रहे हैं तो नीचे का फॉर्म फिल करके भी स्टूडेंट्स के नंबर ले सकते हो। ये कुछ स्कॉलरशिप है जो ऑफर करते हैं, राइट, ZAT में अगर 70 है उससे ज़्यादा है, MAT में, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एंड आई थिंक फैसिलिटीज़ ये ऑफर करते हैं। उसके अलावा दैट्स ऑल, एंड ये था वीडियो एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पे। वीडियो पसंद आया है लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहना है मेरे साथ।
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.